क्या क्या फायदे अरे हम वो हैं तो 2 महीने में बॉडी बनवा दे जब मर्जी जिस मर्जी की ज्यादा हो गया तेरी बनवा दूंगा मैं 2 महीने में बॉडी तेरी। What is up all you guys? कैसे हो सब लोग? बहुत दिन बाद स्वागत है एक और नए और एक्साइटिंग ब्लॉग में। और मैं इस तरीके से क्यों दिख रहा हूँ, बिल्कुल बाल बाल बेकार इसीलिए है क्योंकि मैं बहुत देर से काम कर रहा था, फिर सो गया और अब उठ के याद आई कि हाँ ब्लॉग भी शूट करना है आप लोगों के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली जिम। जिम में आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कि बहुत दिनों बाद जिम जा रहा हूँ, बहुत टाइम से जिम भी नहीं गया हूँ, वेट भी थोड़ा सा बढ़ गया है, बट कोई नहीं वो सब हो जाएगा अपने हाथ में। अब तो पता है ट्रिक्स पता चल जाती है कि कैसे करना है काम, तो वो सब वहाँ चलते हैं जिम में वर्कआउट करते हैं तगड़ा वाला। वर्कआउट करने के बाद आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी है। आज का ब्लॉग बहुत अलग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ अपनी इमेजिनेशन बताने वाला हूं कि मेरी मम्मी क्या सोचती थी मेरे बारे में, कि इस एज तक मैं कहां पे होता और क्या कर रहा होता, तो वो सब चीजें मैं आप लोगों को आज के व्लॉग में बताने वाला हूं। तो बहुत अलग और इमेजिनरी व्लॉग होने वाला है आज का। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इमेजिनेशन आपको सक्सेस दिला सकती है, इमेजिनेशन। बट इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को इमेजिनेशन दिखाने वाला हूं उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, टू गेट मोर व्यूज। तो दोस्तों चलिए एंजॉय करो मेरी मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं हमेशा एक सही टाइम पर उठूं, मतलब सुबह जल्दी उठूं अलार्म के अनुसार। उठने के बाद मैं रेडी हो जाऊं, कपड़े वपड़े ठीक से पहनूं और कपड़े मैं रात को ही रेडी करके रखा करूं, मतलब सीरियसली। हाँ यही है मेरी मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद मैं रेडी हूँ, रेडी होने के बाद जूते पहनूँ, जूते जो ऑलरेडी मैं पॉलिश करके रखूँ। बिना पॉलिश के जूते पहनना मतलब बेवकूफ़ी मेरी मम्मी की नज़रों में, जी हाँ। और उसके बाद मैं ऑफिस की वैन या गाड़ी में बैठ के निकल जाऊँ, सीरियसली। अब इन्जॉय करते हैं मेरी लाइफ ओरिजिनैलिटी वाली जो मैं फाइनली जी रहा हूँ। ओए बोजो क्या कर रहा है, बोजो जिम चल रहा है, चल जिम चल, तेरी उम्र के कुत्ते आजकल बॉडी बना के घूम रहे हैं, शर्म नहीं आती तेरे को? ये ऐसा ही है गाइस। स्कूटी की चाबी कहाँ है? I guess मम्मी मैं जिम जा रहा अभी तो ऊपर जा रही है, फिर नीचे आएगी, बहुत टाइम लगेगा यार। बहुत वर्कआउट कर लिया, फाइनली अब घर जाने का टाइम आ गया, बस ब्रोस को बाय बोल दूं और फिर घर निकलता हूं, फिर बताऊंगा क्या सीन चल रहा है आगे का।
और भाई हो क्या हो रहा है ब्रो? BCAA के फायदे बताना। आपको BCAA के फायदे नहीं पता? BCAA के शरीर में जितनी अमीनो होती है, अमीनो पूरी करती है, वर्कआउट पीते है, वाटर लेवल पूरा करती है। क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं ब्रो, बस BCAA के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या क्या फायदे? अरे हम वो है तो 2 महीने में बॉडी बनवा दे जब मर्जी जिस मर्जी की। ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। मैं तेरी बनवा दूंगा, मैं 2 महीने में बॉडी तेरी। दो महीने में बॉडी बनेगी कैमरे पे, कैमरे पे। क्या थोड़ा पहले 2 महीने में, 2 महीने में 60 दिन होते हैं 2 महीने में। अरे 60 दिन में बंदा तैयार कर देंगे, ये पेट टमी का है ब्रो, छील देंगे छील। चैलेंज वाली बात हो गई। चैलेंज ठीक है, कैसे करवाओगे मुझे बता थोड़ा। मुझे वो एक्सरसाइज हम कराएंगे सुबह शाम। सुबह शाम चलेगी एक्सरसाइज गारंटेड। गारंटेड। नाम बताओ क्या हमारे? नाम है हमारा पुनीत सिंह राठौर। इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे चेक कर लेना। अब भाई चैलेंज वाली बात हो गई, ये बंदा मेरी, हाँ मेरी बॉडी 2 महीने में बनवाने की बात हो गई, देखते हैं कंप्लीट होता है चैलेंज नहीं होता। भाई तुम्हारे सामने बात हुई है, हमारे पास एक विटनेस भी है। सही है, सही है गवाह। बॉडी 2 महीने का मजाक नहीं है। अगर नहीं बनी हल्के नहीं 2 महीने में बॉडी बनवा दूंगा। बहुत हल्के में, हल्के में बोल दी उन्होंने तो बात। 2 महीने में, 2 महीने तो बहुत बड़ी बात बोल दी आप। मेहनत आप करो, बाकी हम मेहनत आपके साथ करेंगे। चलो ठीक ब्रो, डन। चैलेंज डन। चैलेंज यो। थैंक यू। फाइनली स्कूटी भी आ गई। देखो मेरे टाइम पे कभी नहीं मिलती, मेरे को अवेलेबल ही नहीं होती। मैंने पापा को कम से कम 50 बार बोला है कि गाड़ी हल्की सी पीछे करके खड़ी करा करो, क्योंकि जब ये गेट खुलता है तो यहाँ से जगह नहीं मिलती बाइक जाने के लिए। और बाइक ये वाली थी, चलो आ भी गई, अगर मेरी बाइक बुलेट होती तो बिल्कुल नहीं आ पाती, क्योंकि इसका ये चीज़ ज़्यादा थोड़ा वाइड है और ये अड़ता ही अड़ता है। बट पिताजी तो पिताजी हैं, अगर उनसे कुछ बोला तो उल्टा मुझे ही डांट देंगे। मम्मी मैं घर आ गया। जिम से आके पानी पीने का मजा ही कुछ और है। ओके गाइस, तो हियर्स द डील। पता नहीं आज कुछ अजीब सा ही हो गया, ये व्लॉग पूरा हेवायर चला गया। मैंने सोचा नहीं था इस तरीके से व्लॉग एंड होगा। मैं तो सोचा था जिम का व्लॉग दिखाऊंगा आपको, बीच बीच में उसे कुछ इमेजिनेशन वाले शॉट्स दिखाऊंगा, वो तो आप लोगों को पसंद आए होंगे आई गेस। बहुत मेहनत लगी यार उन शॉट्स पे। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ अभी हुआ क्या, मतलब जिम में मेरे को खुद समझ नहीं आया। चैलेंज लगा करके आ गया हूँ मैं 2 महीने का, कि 2 महीने में मेरे को चैलेंज कर दिया उस बंदे ने अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, कि वो 2 महीने में मेरी बॉडी बनवा देगा। वैसे देखा जाए तो फायदा मेरा ही है इसमें, हर एंगल से मेरा ही फायदा है। और अभी मैं किचन में शूट कर रहा हूँ। क्यों किचन में शूट कर रहा हूँ? क्योंकि पानी पिया था और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, रूम में जाने की हिम्मत नहीं है, तो सोचा किचन में ही शूट कर लूँ। बाय द वे अभी भी एनर्जेटिक हूँ, अगर कुछ और काम करने का होगा तो डेफिनेटली कर लेंगे यार, इतने गेंस तो डेफिनेटली अभी भी हैं हमारे पास। तो 2 महीने का चैलेंज देखते हैं कंप्लीट होता है या नहीं होता है। वैसे मैं अपने ऊपर बताऊँ तो मुझे पता है मैं 2 महीने का चैलेंज कंप्लीट कर लूंगा बिना उस बंदे के, लेकिन 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 मैं सच में क्या उतना हार्डवर्क डालने के लिए रेडी हूँ या नहीं, वहाँ पे बात आती है। क्योंकि हार्डवर्क करोगे तो मैं क्या, कोई भी अचीव कर लेगा यार 2 महीने में। 2 महीने बहुत होते हैं, 60 दिन होते हैं, और 60 दिन में सिर्फ मेरे को कितना वेट कम करना है, 5-6 किलो बहुत आराम से हो जाएगा। हलवा है 5-6 किलो वेट कम करना 2 महीने में, 60 दिन में 5-6 किलो कोई भी कम कर सकता है गाइस, कोई भी। देख लेते हैं क्या होता है। बाय द वे आई गेस आप सभी को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और आज का व्लॉग थोड़ा अलग था, बिल्कुल अलग था आई गेस। पसंद आया होगा आप लोगों को, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं जा रहा हूँ अपना न्यूट्रिशन पूरा करने, खाना खाने। मिलता हूँ आप सभी को एक और एक्साइटिंग वीडियो में।